हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। आज मैं छोटे से एक कैश मेमो या बिल या रिसीप्ट या कुछ भी आप बनाते हो तो वो कैसा फॉर्मेट होता है, एक सिंपल सा फॉर्मेट मैंने ड्रैग किया है बाय इंटरनेट, और आपको मैं सिर्फ फॉर्मेटिंग करने का सिखा रहा हूँ। और ये बस सिंपल सा दो स्टेप या तीन टूल्स का यूज करके हम लोग कैसे करते हैं, आज वो यहाँ पर हम जानेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूँ। तो मैं यहाँ पे एक मैंने A4 साइज मैंने लिया, यानी A5 का हाफ होता है, मैंने उस साइज का लिया है। यहाँ पे जब हम डबल क्लिक करेंगे, यानी इसका शॉर्ट की F6 है, डबल क्लिक करते हैं तो इसका जो आर्टबोर्ड है उसके आपका एक रेक्टेंगल बना देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन चुका है। रेक्टेंगल आप इसमें जो भी एक आउटलाइन फील है यहाँ पे अगर फील करना चाहते हो फील भी हो सकता है, बट यहाँ पे अभी मुझे ना इसके साथ, अगर आपको इसका सिर्फ व्यू चाहिए तो शिफ्ट के साथ F2 आप दबाएं तो ये आपका इसका पर्सनल व्यू आ जाएगा। मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा स्पेस चाहिए, इसके आसपास जब बनाते हैं तो इसके बाहर से एक सेफ एरिया छोड़ा जाता है। तो आपको बेसिकली आना, इफेक्ट में आना है, यहाँ पे कॉन्ट्रोल ऑन कर लेना, इसका शॉर्ट की है Ctrl F9। कॉन्ट्रोल ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे या तो इंचेज में आप साइज ले लो या mm में ले लो, जो सकते हो। यहाँ पे एक लाइन चाहिए जो मुझे एटलीस्ट कम से कम 8 mm का, यानी इन साइड चाहिए या आउट साइड, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे कैसा चाहिए यहाँ पे आपको डिफाइन कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं, कॉन्ट्रोल है, कलर है, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको किधर से चाहिए, बाहर का चाहिए, अंदर का चाहिए, इन साइड में चाहिए, आपको यहाँ पे कर इन साइड चाहिए तो यहाँ पे इन साइड ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर आउट साइड चाहिए तो आपको आउट साइड सेंटर आपका कर देगा। मैं इन साइड सेंटर चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ 8 mm का यहाँ पे मुझे चाहिए। तो ये जैसे मैंने अप्लाई किया 8 mm का, यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि एक मैंने एक लाइन, ये लाइन को मैं क्या करूँगा बाहर से और लेफ्ट एंड राइट इसका मैं गाइड दे दे रहा हूँ, ताकि इसी के अकॉर्डिंग इससे बाहर मेरा टेक्स्ट नहीं जाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि पेपर का वाइट एरिया भी रहना चाहिए, ताकि आप कस्टमर को बिल बनाते वक्त अगर आप जो आप रिसीप्ट रखते हैं वो आपके पास बच जाए। और रिसीप्ट रखने के लिए आपको, मैं चाहूँगा टॉप से 8 mm का और भी जगह छोड़ दें। मैं तो 8 mm यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप मैं सिलेक्ट कर लियो, यहाँ पे 8 या 9 mm मैक्स आप रख सकते हैं, 8 mm का मैं एक टॉप से जगह और दे देता हूँ। ये आपको यानी 8 mm का जगह यहाँ पे और दे दिया, यानी ऊपर से इतना मुझे छोड़ देना है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो है, ये दोनों एक साथ जो आ रहा है, आपको देख रहे हो दोनों एक साथ, इसको ब्रेक कर देना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आना है आपको, यहाँ पे बेसिकली करन ब्रेक कॉन्टूर ग्रुप अपार्ट, तो कंट्रोल के कर देना है शॉर्ट की, नहीं तो आप यहाँ पे जाकर ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो बाहर वाले को मैं हटा देता हूँ, बेसिकली नहीं चाहिए मुझे, मुझे इन साइड वाला चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग हमको बनाना है। ऊपर वाले को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये करता हूँ, उतना साइड छोड़ दें ताकि यहाँ पे परफोरेशन होता है, जो कट का एरिया होता है वो यहाँ पे हम देंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी इसमें लिखा हुआ है वो मैंने पहले से ऑलरेडी टाइप कर लिया था, मैं यहाँ पे ड्रैग करके लेके आ जाता हूँ, ताकि आसानी से मैं आपको कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ मैं बता सकूँ। तो पहला है मेरा MA फैशन करके, मैं यहाँ पे एक गाइडलाइन बना दे रहा हूँ जो कि यहाँ तक का ही रहेगा मेरा MA गाइडलाइन को, मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। आप दिख रहा होगा ये भी एक साथ ही जा रहा है, कहीं भी ड्रैग कर रहे हैं, तो अब इसको ब्रेक अपार्ट कर देना है, यानी तोड़ देना है एक दूसरे को, तो कंट्रोल के करें, नहीं तो आप यहाँ ऑब्जेक्ट में जाकर के आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने तोड़ दिया है इसको, और ये मैं MA फैशन को थोड़ा बड़ा कर लूँ, बिकॉज ये नाम है और नाम हमेशा जो होता है वो बड़ा होता है। यहाँ पे फॉन्ट साइज चूज कर ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैंने एक फैमिली फॉन्ट चूज कर रहा हूँ मवेन प्रो करके, इसका फैमिली फॉन्ट आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको ये दिख रहा होगा। मैं यहाँ बोल्ड फॉन्ट रख ले रहा हूँ, मैंने बोल्ड फॉन्ट रख लिया है। शिफ्ट आप सेलेक्ट करके रखें, आप फॉन्ट को बड़ा करना चाहते हैं इसलिए, ताकि आपको प्रोपोर्शन वाइज सभी तरफ बड़ा हो। और ये यहाँ से मैं अलाइन कर दे रहा हूँ, ये टॉप से मैं अलाइन कर दे रहा हूँ। शिफ्ट के साथ आपको बॉक्स सेलेक्ट करना जो पहले से है, C4 सेंटर, नहीं तो या पहले आप टेक्स्ट सेलेक्ट करना, टेक्स्ट के साथ शिफ्ट के साथ बॉक्स सेलेक्ट करना, C4 सेंटर, नहीं तो यहाँ पे एक अलाइनमेंट है, यहाँ पे आप ऑन कर लें अलाइनमेंट। जैसे ही ऑन करते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज आपको मिल जाएगा। 1 सेकंड, अभी ये बहुत सारा प्रॉपर्टीज ऑन है, ये मैं चाहता हूँ कि बंद हो जाए। तो कॉन्टूर का यहाँ पे ऑप्शन आ गया, कॉन्टूर में सिलेक्ट करके बंद कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट स्टाइल है, ये भी मैं बंद कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज है, ये भी मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर है, ये भी शायद बंद कर दें, चाहते बेहतर रहेगा। यहाँ पे देखिए, अभी डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने ऑन किया था, क्योंकि उसके यहाँ पे जितना ऑन होता जाएगा ये नीचे चला जाता है, इसलिए यहाँ पे हिडन हो जाता है। तो आप मैं कोशिश करूंगा, मैं बताने के लिए ही कोशिश करूंगा, जो भी आप यहाँ पे फाइल ओपन करते हैं इसको आप क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पे
क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करके। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ले गया है, यहाँ पे अलाइनमेंट का आपको चीज मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे सीफो सेंटर अलाइनमेंट होता है, हॉरिजॉन्टली आपको अलाइन कर दिया है यहाँ पे। आप ये चाहे तो यहाँ पे इसको क्लोज कर दे सकते हैं, वो अंदर चला जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो छोटा सा है, आप चाहे सेम टेक्स्ट आप सारे को रखना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा कि सारे टेक्स्ट को या तो सिलेक्ट करूंगा, ये मैंने सिलेक्ट किया है सारे टेक्स्ट को, और यहाँ फॉन्ट में जाऊंगा और ये मामन प्रो मैं यहाँ पे नॉर्मल कर देता हूँ, तो वो सेम सारा एक ही फॉन्ट आ गया। मुझे हर फॉन्ट में अलग अलग नहीं कर, और अप डाउन करना है तो अल्ट आप प्रेस करके रखें, और माउस का जो स्क्रॉल है वो आप जूम इन जूम आउट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप लेफ्ट एंड राइट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। शिफ्ट में दबाया हूँ और ये मैं प्रोपोर्शनली बड़ा किया हूँ शिफ्ट के साथ। ये मैं फॉन्ट का जो है फैशन उसको सिलेक्ट किया, उससे हमको सेंटर अलाइन करना है। C4 मैंने बताया है कि आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं, और नहीं तो आपको सेम आना है ऑब्जेक्ट में, आपको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारे इतने सारे, तो यानी हमको सेंटर यानी C4 सेंटर अलाइन कर लिया, मैंने यहाँ पे सेंटर अलाइन कर दिया। अब इसको भी चाहते हैं आप बोल्ड करना, तो आप यहाँ पे नॉर्मली बोल्ड कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो अलाइनमेंट है इसका नन किया हुआ, तो अभी मैं सेंटर कर दूंगा तो ये सेंटर हो जाएगा, तो कभी भी कुछ भी मैं लिखूंगा चारों तरफ से सेंटर से ही सब लेफ्ट एंड राइट होगा। अभी सेफ के साथ एम फैशन सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आना है आपको, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सॉरी वर्टिकली अलाइन कर देना, मैंने ये वर्टिकली अलाइन कर दिया है। अभी मैं बता दूँ कि इसके नीचे अगर कुछ एड्रेस वगैरह देना चाहते हैं या मोबाइल नंबर देना चाहते हैं या कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे एड्रेस वगैरह तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग जो लिखना चाहते हो। यहाँ पे मैं ब्लैंक रख दे रहा हूँ, थोड़ा लॉन्ग कर दे रहा हूँ, ये सेम कॉन्टेक्ट के लिए मैं कर दे रहा हूँ ये, और इसको सेम अलाइन कर लूंगा मैं एम ए फैशन के साथ। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ C4 सेंटर, मैं आपको बताया हूँ, नहीं तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आके आना है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आना, आपको सेंटर कर देना है C4 सेंटर, मैंने ये सेंटर अलाइन कर दिया है। अभी यहाँ पे नंबर और डेट और वट एवर यू वॉन्ट आप पुट कर सकते हो। मैं इसको एकदम अलाइन थोड़ा सा बॉक्स के बाहर में रखता हूँ ताकि थोड़ा सेफ एरिया मेरा बचा रहे। अभी चाहते हो इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ाना है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा कम है, तो मैं एक तो डिस्टेंस यहाँ पे आर्टिफिशियल एक मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ही आपका यहाँ पे शेप टूल आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाले, ये इसको मैं यहाँ पे देख रहा होगा, ये जूम इन कर, ये मैं ड्रैग करूंगा तो इसके बीच का स्पेस बढ़ जाता है, ये तो मैं स्पेस बढ़ा दिया हूँ। और ये मैवन प्रो जो है ये मैं थोड़ा सा सेमी बोल्ड कर ले रहा हूँ ताकि वो थोड़ा दिखे। अभी इसमें एड्रेस चाहिए, एड्रेस के साथ आपको लाइन भी चाहिए, तो ये सेम, अगर ये जो डेट है यहाँ पर डेट टॉप चाहिए, आप चाहते हैं कि सेम जो डेट का मैंने ये फॉन्ट लिया है ये सेम ही आ जाए, तो या तो आप वहाँ से जाकर फॉन्ट से कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल सा एडिट में आना है आपको, कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम करना है आपको, यहाँ पर टेक्स्ट प्रॉपर्टी कर लेना आपको, टेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर ओके करते हैं, और जिसके जैसे चाहिए हम उस पर क्लिक करते हैं, तो ये डेट मेरा देख सकते हो यहाँ पे, अब सेमी बोल्ड हो गया और 7.5 जितना भी इनका साइज था वो साइज ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिंक हो गया। जब ऑटोमेटिकली सिंक होता है तो अभी चाहिए तो या तो आप नंबर यहाँ पे इसके साथ देने के लिए, या तो आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, डॉट डॉट जितना लंबा दे सकते हो, या तो फिर अगर आपको एक साथ करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे F1 यानी शॉर्ट की F1 होता है, आप यूज कर सकते हैं फ्री हैंड टूल के लिए, फ्री हैंड लाइन ड्राइंग के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे डेट के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ले ले रहा हूँ, नेम के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा लाइन ले लेता हूँ, सॉरी Ctrl-Z में करता हूँ। आपको एक क्लिक करना है, क्लिक करके रखना और सिर्फ दबा के रखना ताकि आपका जो ये पैरेलल लाइन चले, यानी पैरेलल लाइन मतलब बराबर में रहे, इधर उधर ना जाए एकदम। तो मैं यहाँ पे एकदम पैरेलल लाइन मैं ले लिया हूँ, सेम इसी को अगर कॉपी करना है आपको तो आप ड्रैग कर सकते हैं और राइट क्लिक, सेम टाइम पे आप माउस को आपको लेफ्ट हैंड साइड का दबा के रखना है और राइट हैंड साइड सेम टाइम पे आपको क्लिक करना है, ये कॉपी हो जाएगा। नहीं तो आप जैसे आप सिंपल सा F1 से आप ड्रैग करते हैं वैसे आप करके कॉपी कर सकते हैं। मैंने इसका शेप टूल लिया है, इसके आगे का जो पोर्शन था वो मैंने यहाँ तक कर दिया। अभी आपको देख सकते हो ये सब बराबर है। अभी यहाँ पे डेट का कॉलम, सॉरी डेट के लिए भी हम मुझे ले लेना है लाइन, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कंट्रोल स्क्रॉल के साथ इधर वाला देख लेता हूँ मैं, और ये मैं डायरेक्ट ड्रैग करके यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने आपको जो बताया था ये कर लेना है, इसको इसके साथ अलाइन करना है, शिफ्ट के साथ ये वाला लाइन को सिलेक्ट करना है, R4 राइट हैंड साइड आपको सिलेक्ट कर लेना है, या तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको आना है, यहाँ पे बेसिकली आप देख लो राइट अलाइन करते हैं, तो ये राइट अलाइन हो गया आपका।
अभी आप चाहते हैं, ये तो आप एक परफेक्ट लाइन हो गया है, आप चाहते हैं डॉटेड लाइन चाहिए, तो ये तीनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है शिफ्ट के साथ, ये वाला भी सिलेक्ट कर लें शिफ्ट के साथ नंबर का जो है। आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आप या तो आप ऐड कर लें, अगर आप ऐड नहीं है कोई टूल्स तो बेसिकली आपको F12 प्रेस करना होता है कीबोर्ड में, ताकि वो लाइन का जो आउटलाइन है ये वाला आया था। यहाँ पे चेकआउट नहीं था इसलिए वहाँ पे नहीं आ रहा था, मैं इसको चेकआउट कर ले रहा हूँ ताकि यहाँ पे आपको दिखेगा। तो मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये अभी आ गया आउटलाइन के लिए सिलेक्ट किया हूँ मैं। जैसे आउटलाइन के लिए सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आपको शॉर्ट की मैंने बताया था ना F12, आप F12 डायरेक्ट कीबोर्ड से लेके आ सकते हो। अभी यहाँ पे डॉटेड लाइन के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे स्टाइल में आना है आपको, ये फर्स्ट वाला रो में ये डॉटेड लाइन ले लेना है और ये ओके कर देना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये डॉटेड लाइन हो गया, डॉटेड लाइन यहाँ पे हो गया। अब मैं नीचे की पार्ट में लेता हूँ, ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा पहले से हम ऑलरेडी लेके रखा है, ये मैं ड्रैग करके मैं नीचे तक लेके आ जाता हूँ, ये मैं यहाँ से कर लिया हूँ। अभी चाहिए तो एक लाइन आप जैसे F5 आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से ड्रैग करके आप डायरेक्ट ले सकते हैं, या आप जहां तक छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं। सेम आप शेप टूल लें और इसका ये नोड को आप पकड़ करके शिफ्ट के साथ ये ड्रैग कर दें यहाँ तक, एंड तक ये ड्रैग हो गया। अभी चाहिए तो अभी ये सारा नंबर्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ये पहले से टैप करके रखा था, मैं ऊपर कर ले रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि सेम फॉन्ट वाला साइज चाहिए तो आपको आना एडिट में आना है, कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम में आना है, आपको यहाँ टेक्स्ट चेक कर लेना, ओके करना है और ये वाला क्लिक कर देना। आप ये देख रहे हो पूरा हो गया। अभी चाहिए कि ये सारा अलग अलग हो जाए, तो मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट में आना है, ब्रेक अपार्ट कर देना है आपको, सारा अलग अलग मैंने कर लिया। तो अभी ये मैं थोड़ा अलाइन कर लेता हूँ। तो गाइज अभी मैं बताता हूँ, अभी है जैसे तैसे, यानी कोई ऊपर है कोई नीचे है, इस तरह से हो गया। तो सारे को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ऑब्जेक्ट में आना है आपको, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आना। आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हॉरिजॉन्टली है, मैं ये हॉरिजॉन्टली कर ले रहा हूँ, तो आपको इन्हें सारे तरफ से ये बराबर हो गया, आपको दिख रहा होगा। शॉर्ट की इसका होता है जैसे सिलेक्ट करके सिर्फ आपको ई प्रेस करना होता है। तो ये साइज वगैरह थोड़ा मैं ये कर ले रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, एडजस्ट कर लेना जितना आप चाहते हो, जितना अमाउंट है, अगर करोड़ों का अमाउंट है थोड़ा बड़ा कर लेना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चाहिए पैसा, अगर इतना बड़ा है तो भाई थोड़ा स्पेस भी तो चाहिए लिखने के लिए। मैं अभी पीछे के लिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको देख रहा होगा ना ये जीते तरह, मैं आपको शिफ्ट में दबा लूंगा ताकि ये एकदम परफेक्टली आ जाए। मैं ये क्या करूँगा, शेप टूल ले लूंगा और ये मैं नोड को सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा जूम इन करके मैं इसको ड्रैग करके यहाँ तक लेके आया था। ये सेम चीज को आपको कॉपी करना है राइट क्लिक करके, आपको मैंने बताया था ड्रैग करके, ये सेम जैसे आप कॉपी करना चाहते हो वैसे कर लो आप, आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है ये यहाँ। ये अभी चाहते हो कि परफेक्टली एकदम ये अलाइन हो सारे बॉक्स वगैरह ये सब चीज में, तो आप एक रैंडम एक बॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लो और ये इसके अकॉर्डिंग ये पहले पकड़ो, फिर इसके बाद बॉक्स पकड़ना है C4 सेंटर ये करना, सेम इसी इधर आप बॉक्स को ड्रैग कर लो और रेड को सिलेक्ट करना है, C4 इसको सेंटर कर लेना है, सब इसी तरह से आपको कर लेना है। बिकॉज क्या होता है कि आपको एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे क्या करोगे, आप अपने अंदाजे से ड्रैग करते रहोगे, कहीं पर अंदाजा होगा, तो ये अंदाजा वाला काम नहीं करने का मुझे। अभी इसके अकॉर्डिंग मुझे चाहिए था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बॉक्स ड्रैग कर ले रहा हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन को, नीचे वाले बॉक्स को जो अलाइन करना था C4 सेंटर, नहीं तो ऑब्जेक्ट में आना है आपको, बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है सेंटर कर लेना है, आपको सेंटर हो गया, बाद में बॉक्स को डिलीट कर दीजिए आप, बिकॉज इसका काम हो गया, इसका जरूरत नहीं है मुझे। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अभी आपको नीचे में बताता हूँ कि अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस तरह से है क्लोज टोटल एंड एडवांस का, ये अलग अलग बॉक्स बना हुआ, तो मैं ये एडवांस और टोटल वाला यहाँ पे रख लेता हूँ। सेम मैंने आपको बताया कि आपको इसका थोड़ा बोल्ड फॉन्ट चाहिए, तो आपको आना एडिट में कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम, यहाँ पे चेक है, यहाँ पे ओके करना है और इसको मैं क्लिक कर दिया हूँ, आप यहाँ पे देखते हो बोल्ड हो गया यहाँ पे फॉन्ट। ये आपको मैंने बताया था कि आपको ऊपर नीचे करना है या सबको तोड़ देना है, तो अगर नहीं ऊपर नीचे करना तो आप सेफ टूल लें, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से ऊपर कर लें, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। अभी फॉन्ट साइज है अपना 7, अगर बेसिकली ये बहुत छोटा फॉन्ट है, लेकिन फिर भी आप कैश मेमो बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही फॉन्ट रखना, थोड़ा बोल्ड फॉन्ट रखना, प्रिंट में कोई प्रॉब्लम ना हो।
हमेशा प्रिंट के लिए जब भी काम करना थोड़ा ही मतलब वेट फॉन्ट होना चाहिए। ये दोनों लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा और सेव टूल लूंगा और ये मैं ड्रैग कर लूंगा नीचे तक। यहां तक चाहिए मुझे, इसके अकॉर्डिंग मैं ये थोड़ा अपने अकॉर्डिंग कर लेता हूं। अभी चाहिए कि एक यहां से यहां तक ड्रॉ हो जाए लाइन और ये सेम लाइन यहां से मैं कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल आर, आर फॉर रेप्लीकेट। ये तीनों को पकड़ना है आपको। अगर साइज में अगर थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, यानी कंट्रोल सेट में कर लेता हूँ, ये क्या करना है आपको, ये कॉपी करना है, कंट्रोल आर, आर फॉर रेप्लीकेट, ये आपको ऊपर नीचे दिख रहा होगा। ये तीनों चारों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ड्रैग करके यहां तक कर दें। अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी आप चाहते हो कि इधर भी एक लाइन चाहिए तो आप सेम आप ये ले लें, आप यहां से एक यहां ड्रैग कर दें। ये भी क्लोज हो गया मेरा। अभी यहां पे टोटल और एडवांस ये सब बैलेंस नहीं है, तो आपको क्या करना है, शेप टूल लेना है, थोड़ा खींच लेना है, ये टोटल को थोड़ा ऊपर कर लें आप। हाँ, अब इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा नीचे से आप बैलेंस कर लें, तो ये टोटल का यहाँ पे ये हो गया। सेम अभी आपने मैंने आपको बताया था रुपीज इन वर्ड यहाँ पे लिखना है। आप इसके साथ शिफ्ट के साथ बॉक्स सेलेक्ट कर लें और एल फोर लेफ्ट अलाइन कर लें, ऐसे मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट में जाके वहां भी आप कर सकते हैं। सेम कॉपी करना है इसका शॉर्ट की है अल्ट ई, और आप यहाँ पे शॉर्ट की यहाँ पे देख सकते हो एम, मैंने प्रेस किया और ये आ गया, मुझे बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं। कीबोर्ड का शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं आप एज पर योर एक्सपीरियंस, एज पर योर एक्सपर्टीज। ये रुपीज जो कहा गया है कि सामान बेचने के बाद वापस नहीं हो सकता, ये लिखना है तो आप लिख दें, अदरवाइज कोई बात नहीं, नहीं लिख सकते यार। ये आपका जो भी साइन वगैरह है, तो आप मोहर स्टंप वगैरह बनाना चाहते हैं, ये बोल्ड फॉन्ट रखें। आपको मैं हमेशा कहूँ रिसीव और ये जो भी रहता है, मैं यहाँ पे सेम चीज मैं कर ले रहा हूँ, कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम टेक्स्ट और ये मैं पैसन कर ले, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। और इसको मैं चाहूंगा कि अगर इटैलिक अगर इसका है तो इटैलिक ले लो फॉन्ट, अगर इटैलिक नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि आप कैसे इटैलिक कर सकते हैं। फॉर नाउ यहाँ पे आप डबल क्लिक करें, ये आपको एरो दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दें, बस ये इटैलिक हो गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। थोड़ा ये सोल्ड वाला जो है, इसको दो लाइन में ब्रेक कर लें यार, ये डिस्टर्ब कर रहा है रिसीव भाई को। बेसिकली अगर आपको कुछ रुपीज इन वर्ड, ये सॉरी ये रुपीज इन वर्ड वाला को ऊपर हम लेते हैं फॉर्मेट में, ये वाला आप नीचे रख लें, इसके नीचे आपको लाइन चाहिए लिखने के लिए, क्योंकि पैसा है यार, पैसे के अमाउंट को आप लिखना चाहते हैं, तो आप यहां तक ले लेते हैं। सेम इसी को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, अरे इतना ज्यादा पैसा नहीं होगा यार इससे ज्यादा, आप इसको ड्रैग करके यहां तक कर दें और ये सिलेक्ट करें। आपको चाहिए अगर डॉटेड लाइन तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है, ये भी अच्छा है यार, ऐसा ही रहना चाहिए। तो मैं अभी आपको एक इतने सारे ऑप्शंस हो गए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये सारे, मैं डिलीट कर देता हूँ ये वाले ताकि आपको ये पूरा दिखे। मैं ये पूरा ड्रैग करके सिर्फ कंट्रोल जी कर लिया हूँ, और अभी मैं चाहता हूँ कि बाहर से अगर कुछ दिखना है आपको, मैं दिखा सकता हूँ, शिफ्ट F2 करें ये बड़ा, और आप डायरेक्ट F9 की दबाएं अगर आपके कीबोर्ड में, तो आपको ये पूरा दिखेगा, आपका ये बन के ऐसा रेडी हो गया है। चाहते हैं कि इसका ट्रेसिंग निकालना चाहते हैं, इसको 1:4 में दो साइड करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, बेसिकली सिंपल सा यहाँ पे A4 साइज ले लेना है आपको, यहाँ पे आपको लैंडस्केप कर लेना है, ये सिलेक्ट करना है आपको, एक तरफ आप ये ले लें और ये एक तरफ कॉपी कर दें आप, ये दोनों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी करें, P4 पेज का सेंटर क्लिक करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरे पेज में करके कि कैसा दिख रहा है, एक बार मैं पूरे पेज का भी एक ले ले रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। ये F2 और ये आपको F9 प्रेस करना है फुल पेज व्यू के लिए। तो ये आपका दो कैश मेमो, आप ट्रेसिंग पेपर निकाल लो, आप कहीं पे भी प्रिंट करवाना चाहते हो, आप इसको कलर भी बना सकते हो। तो अभी मैं कलर में बनाने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा और भी लंबी वीडियो हो जाएंगी। आप अगर चाहते हो कि इसका कलर में भी हम लोग कैसे बनाते हैं, उसके लिए एक वीडियो बनाना है, तो मैं ऑब्वियसली मैं बना दूंगा।
मुझे कमेंट में जरूर बताना यार। तो गाइज मिलते हैं कुछ नए ट्यूटोरियल से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।